अस्सलाम वालेकुम। ओपन टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैट 6 वायर जो इंटरनेट के लिए यूज़ होती है उसके क्रॉस कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों ये देखें, मेरे पास वायर है, ये कैट 6 वायर है। ये इसको मैं यहाँ से काट के इसका पीवीसी उतार लेता हूँ। एक पीवीसी मैंने उतार दिया, एक और पीवीसी है अंदर, उसको भी उतार लेते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने पीवीसी उतारा है तो अंदर 4 पेयर हैं। एक प्लास्टिक है, ये मैं उतार लेता हूँ। देखें दोस्तों, 4 पेयर हैं, इनके मैं बल उतारता हूँ अभी। ये मैंने बल उतार दिए जनाब इसके। जी ये दोस्तों देखें, मैंने इसके बल उतार दिए हैं। आप इनको प्रेस करके सीधा कर लें। अब आपने सबसे पहले पकड़नी है लाइट ऑरेंज, ऑरेंज उसके बाद आपने पकड़नी है लाइट ग्रीन, लाइट ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर आपने पकड़नी है ग्रीन, फिर आपने पकड़नी है लाइट ब्राउन और ब्राउन। ये दोस्तों देखें, आपने इस तरह इन तारों को तरतीब देना है। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के आप इसकी मदद से इसको एक तरतीब से काट लें। ये दोस्तों देखिए, मैंने एक लेवल पे काट लिया इसको। अब आप RJ45 कनेक्टर ले लें। ये मेरे पास कनेक्टर है, ऐसे लगा दें इसको। ये दोस्तों आपने सही प्रेस करना है इसको, जितना प्रेस कर सकते हैं प्रेस करके। ये देखें तारे पहुंच गई हैं यहां पर। ये देखें तारे पहुंच गई हैं फुल। मैंने इसको प्रेस किया है, सारी तारों को आपने देख लेना है। इसको सही प्रेस करके आप फिर इसके बाद इस प्लायर की मदद से इस पिन को प्रेस कर दें। ये दोस्तों मेरी एक पिन लगी है, RJ45 कनेक्टर ये लग गया है, आप देख सकते हैं। ये अब मैं दूसरी साइड पे लगाता हूं। दूसरी साइड से पीवीसी उतार लें आप। ये मैंने पीवीसी उतार लिया। मैंने दूसरा पीवीसी भी उतार लिया। अंदर से ये प्लास्टिक आ रही है, मैंने इसको भी काट लिया।
इनके बाल उतार लें आप। मैं बाल उतारता हूँ इनके। ये दोस्तों मैंने इसके बाल उतार लिए। अब इसको आप प्रेस कर लें, तार को ऐसे तार को प्रेस कर लें। जब तार प्रेस हो जाए तो अब इसको दोबारा से आपने ऐसे ही पकड़ना है, लाइट ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन, फिर ब्लू, लाइट ऑरेंज, ऑरेंज, सॉरी लाइट ग्रीन पकड़नी है आपने। ये देखिए ऐसे, ये तरतीब से। उसके बाद आपने लाइट ग्रीन के बाद आपने ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर आपने ग्रीन पकड़नी है, ग्रीन के बाद लाइट ब्राउन, फिर ब्राउन। ये देखें दोस्तों, ये आपने ऐसे तरतीब दे लेनी है तार को। अब मैं इसको इस साइड पे भी पिन लगाता हूं। यहां से आप पकड़ लें, इसको काट लें आप इस एक तरतीब से। दोबारा वायर चेक कर लें, वायर ठीक है। हाँ जी, वायर ओके हैं। अब ये मैंने RG45 कनेक्टर लिया है, तो आपने जब भी लगाना है आपने ये जो पिन वाली, जो ये क्लिक वाली साइड है, ये आपने नीचे रखनी है, नीचे वाली साइड पे। तो मैं दोबारा लगाता हूँ ये। ये दोस्तों देखें, तारे पहुँच गई हैं। थोड़ी सी पीछे है, मैं प्रेस करता हूँ दोबारा। ये देखें दोस्तों, तारे पहुँच गई हैं। इस साइड पे भी देख लें आप, इधर भी देख लें। अब मैं इसको प्लायर से इस पिन को प्रेस करता हूं। ये दोस्तों देखें, मेरे दोनों कनेक्टर लग गए हैं। अब इनको मैं चेक करता हूं। अगर आप कहीं इस तार के दोनों रुख, जो दोनों सिरे हैं, ये दूर हैं, तो ये प्लायर, ये टेस्टर है, इसे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ऑन करता हूँ। ये देखें, मैं इसको प्रेस सही कर लगाने सही। अब देखें, आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे 8 के 8 पॉइंट ओके हैं। ये अभी जो मैंने कनेक्शन किए हैं, इनको क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं। ये क्रॉस कनेक्शन आप इंटरनेट यूज करना हो, नेटवर्किंग में यूज करना हो, फाइल शेयरिंग करनी हो, DVR ऑनलाइन करना हो, आप इंटरनेट के हवाले से कोई काम भी आपने करना हो, तो ये क्रॉस कनेक्शन हर जगह पे कारामद है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।